गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल शेप लेसन 3। आज इसमें क्या है, इसमें अलग अलग तरह की शेप्स के बारे में बताया गया, जैसे कि ट्राइंगल, ट्राइंगल की कितनी साइड्स हैं 3, कितने कॉर्नर्स हैं 3, और कितने वर्टेक्स हैं, वर्टिकल्स हैं 3। इसी तरह स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है और ओवल शेप होती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ सॉलिड शेप्स भी होती हैं। आपने क्यूब देखा है, कोई खाली बॉक्स, उसमें क्या होता है, वो उसके 6 फेस होते हैं, 4 फेसेस तो हमें नजर आते हैं और 2 फेसेस दोनों साइडों में होते हैं, ठीक है। और उनके एजेस जो है, एंड्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। और ये एक स्क्वायर की तरह होता है, देखने में एक स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम क्यूबर्ड देखें तो वो किसकी तरह होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है और वो अंदर से जो है बॉक्स की तरह दिखता है, आप पिक्चर में देखिए, ठीक है। एक शेप होती है कोन, कोन आपने आइसक्रीम का कोन देखा है खाली कभी, उस शेप को क्या कहते हैं, कोन शेप कहते हैं। उसका जो है 2 फेसेस होते हैं, ठीक है, एक एज होता है और एक कॉर्नर होता है, ठीक है। इसी तरह आपने बॉल देखा होगा, वाटरमेलन, फुटबॉल, ये देखिए ना, इनकी शेप क्या होती है, स्फीयर कहते हैं इनको, और ये गोल होते हैं, पर ये अंदर से क्योंकि ये खोखले होते हैं इसलिए ये स्फीयर शेप में नजर आते हैं, ठीक है। इसकी कोई फेस नहीं होते, कोई एजेस नहीं होती। आपने सिलेंडर देखा है, उसको हम सिलेंडर शेप कहते हैं, ठीक है, जो गोल होती है और दोनों साइड से उसके जो है सर्कल्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इस चैप्टर को करते हैं। इसमें देखिए आपको फर्स्ट देखिए शेप दिखाई गई है, कौन कैसी शेप होती है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर है, नहीं है, ये क्या है, ये एक स्फीयर है, बॉल की पिक्चर है ना, तो इसमें से अगर हम देखें तो करेक्ट पिक्चर कौन सी नहीं है, लास्ट वन। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज। देयर आर डैश लेस ट्राइंगल्स देन स्क्वायर्स, कितने कम जो है ट्राइंगल्स हैं स्क्वायर से। आप पहले स्क्वायर गिनेंगे कितने हैं और फिर ट्राइंगल, और जब उन दोनों के नंबर्स को आप माइनस करोगे तो आंसर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम काउंट करते हैं, देखिए पिक्चर में स्क्वायर कितने हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और 6, 7, और ट्राइंगल्स कितने हैं, अब वो देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 7 में से हम 5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर, फिगर में टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, चलिए गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और एक जो है ये छोटा सा स्क्वायर है यहाँ पे, तो कितने हो गए, 17, तो आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट देखिए, नेम द शेप ऑफ द शेडेड फेस इज, कौन सी शेप है जिसमें कलर है, वो है ट्राइंगल शेप। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं वो आपने काउंट करने हैं। तो आप देखिए पहले तो सन के अराउंड कितने सारे ट्राइंगल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और एक बड़ा वाला 13, टोटल 13 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, शेप्स डैश एंड डैश विल फॉर्म अ सर्कल, कौन कौन सी दो शेप्स को हम मिलाएंगे तो सर्कल बनेगा बताइए, जब हम क्यू और एस को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सर्कल, तो आंसर हुआ ए। देयर आर डैश मोर ट्राइंगल्स देन सर्कल्स इन द गिवन फिगर, यहाँ पर कितने जो हैं ज़्यादा जो है ट्राइंगल हैं सर्कल से, चलिए गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 सर्कल्स हैं, और अब हम गिनते हैं ट्राइंगल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
नाइन, तो 10 सर्कल्स थे और 9 जो है ट्राइंगल्स हैं, तो कितने ज्यादा हुए? 1। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इसको आप फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा और खुद जो है काउंट करके फिर आप आंसर को टिक करिएगा। थैंक यू। और इसके साथ हम आपका एक कंप्यूटर का पेज भी करते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, कंप्यूटर में हम जी तक कर चुके हैं पहले, अब एच की बारी है, ठीक है? एच फॉर हट। एच फॉर क्या होता है? हट। और एच फॉर कंप्यूटर में क्या होता है? हार्ड डिस्क। ये इस तरह की इसकी फिगर होती है हार्ड डिस्क की, और ये क्या काम करती है? दिस इज हार्ड डिस्क, इट इज अ परमानेंट स्टोरेज मीडिया ऑफ द कंप्यूटर। इसमें जो है ये परमानेंट स्टोरेज होती है, इसमें हमेशा के लिए स्टोरेज हो जाती है मीडिया की, ठीक है? हार्ड डिस्क क्या करती है? परमानेंट स्टोरेज करती है। तो आज हमने ईवीएस में किया, और ये आप कंप्यूटर का हम एक पेज कर रहे हैं, इसको आप फिर से रीड करिएगा, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।